तो वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एक दिवसीय कोटा दौरे पर रहीं। इस दौरान मंत्री मीनाक्षी लेखी के सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार 400 सीटें पार करेगी। इसके साथ ही मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि पिछले 500 साल से राम मंदिर बनने का जो सपना था उसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने साकार किया है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। जी, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और राज्य में भी बहुत काम किए हैं और कोटा शहर जो है वो सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बदलाव आया है। और ओम बिरला जी के स्पीकर पद पे रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने जनसंपर्क भी रखा और लोगों के बातचीत भी की और वो नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हम सब कार्यकर्ता हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और उस संजीदगी के साथ मिलकर काम करते हैं कि अगर जहाँ जहाँ हम जीतने वाले हैं वहाँ वहाँ हम मार्जिन बढ़ाने पर काम करते हैं और ये सीट वैसी ही है जहाँ पर हम मार्जिन बढ़ाने पर काम करेंगे।